रिपेयरिंग का काम चाहे कोई भी हो, चाहे वो गाड़ियों की रिपेयरिंग हो, चाहे बिजली के सामान की रिपेयरिंग हो, चाहे इलेक्ट्रिकल की हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक की हो, जब हम उसकी रिपेयरिंग करते हैं तो अक्सर कई बार ऐसा होता है कि हमें उसके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते हैं, या वो इस तरह से खराब हुए रहते हैं कि उनको रिपेयरिंग करना बनता नहीं है, उसकी जगह पे कुछ और जुगाड़ कर दिया जाता है। ठीक है, जुगाड़ ये कैसे शब्द है दोस्तों, सुनने में तो बहुत ही बेकार लगता है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत सारे लोग करते हैं, यानी कि कहा जाए तो सबके सब इस जुगाड़ शब्द का, यानी जुगाड़ करना हर किसी को अच्छा लगता है, हर कोई करना ही चाहता है। कारण इसका है दोस्तों कि जब प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलता है तो इंसान उस समय पे जुगाड़ सोचने लग जाता है कि आखिर क्या इंतजाम किया जाए, कौन सा वो जुगाड़ किया जाए जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट ही ठीक हो जाए, ये जो इसका प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन हो जाए। तो दोस्तों एक आम व्यक्ति के पास, एक आम छोटे मिस्त्री के पास में जुगाड़ करने के लिए कई सारे रीजन होते हैं, उनमें से एक ये भी होता है कि भाई उसके पास वो स्पेयर पार्ट्स नहीं है, या वो खरीद करके लाना नहीं चाहता है, या उसको पता ही नहीं है कि इसका कैसे रिपेयरिंग किया जाएगा, कैसे इसको ठीक करेंगे, कौन सा वो तरीका है, तरीके का भी नहीं मालूम होता उसको। तो ऐसे में अगर जुगाड़ सक्सेसफुल हो जाता है तो वही एक कामयाब मिस्त्री कहलाता है कि हाँ जी इनके पास स्पेयर पार्ट्स नहीं था लेकिन फिर भी इन्होंने इस काम को कर दिया, इसका मतलब ये वाकई में ये मिस्त्री है। मिस्त्री कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि भाई जो जुगाड़ ना कर सके वो मिस्त्री कैसा। दोस्तों हमारे जैसा छोटा मिस्त्री जब जुगाड़ करता है तो कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आपको जब ये पता चले कि नहीं जी छोटे मिस्त्री ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी जुगाड़ करती हैं, तो आपको सुन करके कैसा लगेगा जरा बताइएगा कमेंट करके मुझे। और आपको मैं आज ऐसी वीडियो एक दिखाने जा रहा हूँ, ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ, ऐसा एक सीन आपको दिखाने जा रहा हूँ जिसके अंदर कि आपको ये पता लगेगा कि यार इतनी बड़ी कंपनी होकर के भी ऐसा जुगाड़ कर सकती है, आपको यकीन नहीं होगा। ठीक है, एक हमारे जैसा मिस्त्री जब जुगाड़ करता है जो भाई स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहा है, एक तो मजबूरी हो गई, एक तो पता ही नहीं है, लेकिन जिनके पास इतने बड़े बड़े इंजीनियर हैं, इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, इतने बड़ा उनकी कंपनी है जो कि इतना बड़ा नाम है उनका, वो लोग भी जब इस तरह के छोटे तुच्छ जुगाड़ कर सकते हैं तो हमारे जैसा आदमी क्यों नहीं जुगाड़ सोचेगा, क्यों नहीं जुगाड़ करेगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि एक कंपनी जो कि मैं आपको नाम भी उसका बताऊंगा और दिखाऊंगा सबूत के साथ में कि खेतान कंपनी, इतने बड़ी कंपनी होने के बावजूद वो अपने सीलिंग फैन के अंदर जुगाड़ करके, जुगाड़ जो कि बहुत ही मतलब एक तरह से छोटा शब्द लगता है जो कि कई लोगों को भाई समझ में आ जाए तो उनके शर्मिंदगी भी महसूस होती है, लेकिन उस कंपनी ने खुलेआम जुगाड़ कर रखा है अपने सीलिंग फैन के अंदर। ठीक है, क्या जुगाड़ कर रखा है कि देखिए उसके अंदर मैं आपको दिखाऊं कि पंखा तो उन्होंने फिट कर दिया है, पंखा बहुत अच्छा है, लेकिन आप देखेंगे उसके और ब्रांडिंग सब कुछ बढ़िया है, लेकिन इसके अंदर में आप जब इस पंखे को खोलते हैं, खोल करके आप देखेंगे कि इसके नीचे में आपको एक जो नॉर्मल लोकल पंखे के अंदर एक नीचे का कवर लग करके आता है, तो उस कवर को इन्होंने लगा रखा है, यहाँ पर लगा हुआ होना चाहिए, इस यहाँ पर एल्युमिनियम का कवर आता है, जो पहले हमारे ओरिएंट के पंखे आया करते थे उनके अंदर यहाँ इस जगह पे एल्युमिनियम के कवर लगे हुए होते थे, लेकिन इस कंपनी ने इसके अंदर लोकल पंखे में जो लोहे का यानी कि एल्युमिनियम का अगर ये कवर लगाते तो उनको महंगा पड़ता, लेकिन इन्होंने क्या किया लोहे का ही कवर लगा दिया, जो कि नॉर्मल पंखे में आया करते हैं, जो 700 800 में पंखे मिल जाते हैं मार्केट में, उसके अंदर लोहे का कवर आता है, वो इनको बड़ा सस्ता, तो इन्होंने उस एल्युमिनियम के कवर को लगाने की बजाय इन्होंने क्या किया ये लोहे का कवर ही उसके अंदर फिट कर दिया। ये कहा जाए क्या इन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि इसके अंदर ये पंखा हीट होगा, एल्युमिनियम का अगर होता तो कम हीट होता, यदि ये लोहे का हम लगा दिए तो इसमें नुकसान हो सकता है, इन्होंने ये तो सोचा तो जरूर होगा, लेकिन यहाँ पैसे की बात आती है ना, पैसे कम लगेंगे अगर लोहे का बॉडी लगाएंगे, लोहे का कवर लगाएंगे तो पैसे इनके कम लगेंगे, और अगर एल्युमिनियम के लगाते हैं तो कवर के पैसे इनको ज्यादा देने पड़ते हैं और इनका खर्चा थोड़ा सा बढ़ जाता है, इस वजह से इन्होंने इसमें जुगाड़ कर दिया। तो दोस्तों आप लोग ब्रांडेड चीजें खरीदते तो हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा ब्रांडेड खरीदते, थोड़ा और पैसा लगाइए, आप 1400 1500 तक के भी मैं कहूंगा कि पंखे आप लोग मत खरीदिए, खरीद रहे हैं तो 2000 3000 के आसपास के पंखे खरीदें, जिसके अंदर भी आपको बढ़िया क्वालिटी बढ़िया कंपनी का होना चाहिए, जो कि जैसे कि मैं नाम नहीं बताऊंगा किसी का, नहीं तो मैं किसी के फेवर में नहीं हूं, बस ये है कि अच्छी कंपनी अपने हिसाब से अपने दिमाग लगा करके सर्च करके अच्छे से, या कोई अपने घर में आसपास में लगवा रखा है, या किसी मिस्त्री से राय भी ले सकते हैं आप, तो उनसे पूछ करके आप बढ़िया कंपनी के कम से कम 2000 के आसपास के पंखे लगवाइए तो आपको बढ़िया सामान मिल सकता है, नहीं तो सब जगह जुगाड़ ही जुगाड़ है। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर दोस्तों हमें यही बताना था कि हम लोग छोटे दुकानदार ही नहीं बल्कि बड़े बड़े लोग भी जुगाड़ करते हैं, तो हम लोग कर रहे हैं तो यार खुल के रखो और करो। ठीक है,
जो सामान नहीं मिलता है, स्पेयर पार्ट नहीं मिलता, उसका जुगाड़ ही किया जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे आने वाली सभी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। नमस्कार।